Hello and welcome to New This Week on artistlaw.com, the sound of independence. They say that if you truly wish for something, the entire universe works it out for you, isn't it? Our artist on the show today was working really hard to win a singing reality show when she got her first big break in Bollywood. An artist whose divine connection with the Almighty is very evident in her voice. Her thoughts as soulful as her voice powerful. Please welcome Sonu Kakkar. Sonu, I'm so excited that you're on the show. Last time we met at artistlaw.com's music day. Par, that's right. Where your performance has won everyone's heart. Thank you. And people you are so still much. Talking about it till date. Thanks a lot. But tell me one thing. The start of Karwaan was from Rishikesh, a small city. Right. So what happened after that? After that, I always say to everyone that you think anything from your heart. और वो ज़रूर होगा. तो मैंने जो सोचा था, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना था, मुझे फिल्म्स में गाना था. तो ऋषिकेश के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए. okay. क्योंकि ऋषिकेश काफ़ी छोटा शहर है और वहाँ पर इतना स्कोप नहीं है टैलेंट को आगे आने का. ये कितने साल की उम्र में थे जब आप दिल्ली शिफ्ट हुए? आई थिंक आई विल बी अराउंड 13-14. ओके, तीन साल पहले. That's very good. Thank you so much. ऐसी है. To make me feel good. You don't look more than 70. Oh but coming God. back to the point, तो आप दिल्ली शिफ्ट हो गए. जी. Okay. सिर्फ इसी चीज के लिए कि मुझे फिल्म्स में गाना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है. तो शिफ्ट होने के बाद फिर वहाँ पर कॉन्टेस्ट हुआ, एक उस वीवा बैंड की खोज में जो कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया. वहाँ पर संदीप चौटा जी एज अ जज वहाँ पर आए हुए थे. तो उन्होंने मेरी आवाज़ को वहाँ पर नोटिस किया और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है, तो मैं इसको फिल्म में कभी मौका देना चाहूँगा. तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो बस दिलासा ही दे रहे हैं और ऐसा कहाँ वादे जो करते हैं लोग, हर कोई पूरे तो नहीं करता. लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे संदीप चौटा जी के यहाँ से कॉल आया, तो मतलब मैं पागल हो गई. और वो कॉल बाबूजी गाने के लिए बुलाया गया था. मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. जी. आपको संदीप चौटा जी का फोन आता है कि ये कंपटीशन तुम्हारे लिए, तुम इससे बड़ी हो, और आपको उन्होंने सीधा गाना गवा दिया. जी हाँ. और वो गाना था बाबूजी जरा धीरे चलो, धीरे चलो. और वो जो गाना है वो सुपर हिट हो गया. जी तो हाँ. सुपर हिट गाने की जरा दो झलकी हो जाए. श्योर. हियर वी गो. 1 2 3 गो. बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली कड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारियाँ, गोरा बदन शोलों की लड़ी, है गिरी 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 बिजली गिरी, है इस पे गिरी उस पे गिरी लो गिर पड़ी. बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी. क्या बात है. और ये जो बिजली थी, ये ना केवल आपके फैंस पे गिरी, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने दिग्गज थे उन्होंने भी आपकी आवाज को नोटिस किया और आपको और डिफरेंट तरह के गाने गाने को मिले. जी हाँ. लेकिन ये कैसे हुआ, जब आपको पहली बार उन्होंने कहा कि एक आइटम सॉन्ग है, तो आपको था कि यार मैं तो आशा जी बनने नहीं आई थी, मैं तो लता जी बनने आई थी, कुछ ऐसा मन में था, क्या था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मैंने कुछ सोच के नहीं गाया था. मुझे सिर्फ जो मैं कह रही हूँ कि मुझे बनना था, फिल्म्स में गाना था, आगे आना था. तो जैसे ही मुझे
चांस मिला मैंने उसका पूरा लुत्फ उठाया। नहीं, लेकिन आप जो उससे पहले हैं, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप ऋषिकेश में माता की भेंटे भी गाती थी। करेक्ट। तो माता की भेंटे गाते गाते जब आपको स्टूडियो में बाबूजी जरा धीरे चलो, आपको मालूम था कि वीडियो कैसे बनने वाला उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था। एक याना गुप्ता जैसी लड़की एक भैंस पे बैठी होगी, ये नहीं पता था आपको? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे पिक्चराइज करेंगे इस गाने को, लेकिन जो मैंने एनर्जी थी सारी, जो इतने सालों का मेरा जो जोश था, जो भी था, मैंने सब उस गाने में भर दिया था, क्योंकि इतनी एक्सेसिव खुशी हो, मतलब एक्स्ट्रा खुशी हो रही थी कि अब मुझे वो मौका मिल गया है, तो अच्छे से मतलब माइक पे गई और बस। तो जब आपके पेरेंट्स ने सुना, जब आपके शहर में रिश्तेदारों ने सुना, तो वर दे हैप्पी फॉर यू के चलिए हमारी लड़की का सपना पूरा हो रहा है, या फिर उनको लगा हाय हाय ये क्या गा दिया? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सभी जितने भी लोग थे फैमिली के मेंबर्स, सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि सोनू कितना चाहती थी, उसे प्लेबैक सिंगर बनना था, और जब वो पूरा हुआ है, वो चीज़, वो मुकाम हासिल किया है, तो डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे। इनफैक्ट जब आप छोटी थी, आपने बताया कि आप एक छोटे शहर से थी, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो आपके माँ बाप ने आपको रोका नहीं कि ये क्या कर रही है, कैसे करेगी, इतना बड़ा शहर है बॉम्बे, कौन जानता है? बिल्कुल नहीं रोका, इनफैक्ट बिल्कुल सही आपने कहा कि इतना बड़ा शहर है, कौन जानता है आपको, ये सब टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी दिमाग में, इतना सोचते थे कि यहाँ पर शिफ्ट हो ना हो, हो ना हो, उसी वजह से एक साल भी लग गया था हमें सिर्फ डिसाइड करने में, कि क्योंकि मॉम डैड को बहुत डर लगता था। अच्छा, सिर्फ डिसाइड करने में, डिसाइड करने में एक साल लग गया था। यही रीज़न है कि बाबूजी रिलीज होने के एक साल बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, दिल्ली से बॉम्बे। लेकिन माँ बाप की सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि जो आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ हो पाती, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट ने सब कुछ किया है। तो ये तो था कि आप इंडस्ट्री में कैसे आई, मगर जो आपका झुकाव है वो सूफी संगीत की तरफ है। जी, ये बचपन से ही था ये भी, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि भजन गाती थी, और भजन भी जब हम गाते हैं तो आंखें बंद करके और एकदम कहते हैं मगन होके मैं वैसे गाती हूँ, तो सूफी म्यूजिक भी कुछ इसी तरह है कि जब हम गाते हैं तो सीधा ऊपर वाले से जो कनेक्शन होता है, तो डेफिनेटली मुझे सूफी म्यूजिक शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। और कौन थे आपके इंस्पिरेशन? नुसरत फतेह अली खान साहब। और मुझे ये भी पता लगा है कि इस कारवां में आपने आबिदा परवीन जी के साथ भी परफॉर्म किया। जी हाँ। ये कैसे हुआ? ये एक एल्बम आया टाइम्स म्यूजिक से, उसमें शुभा मुद्गल जी और आबिदा परवीन जी, एक एक सॉन्ग सबका, तो मेरे पास शब्द खत्म हो गए थे कि जिनको हमने इतना सुना है, जिनको आप सुनते थे, जो आपके लिए टीचर हैं। करेक्ट। और सेम एल्बम पे हम क्रेडिट शेयर कर रहे हैं कि एक एक सॉन्ग सोनू कक्कड़, एक सॉन्ग आबिदा प्रवीण जी, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मुझे वो देखकर, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आपको कभी ऐसा लगा था कि आप जिंदगी में कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। कभी ऐसा था कि कभी नहीं, ऐसा पल नहीं आया बीच में? बिकॉज आई वॉज वेरी पॉजिटिव, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, और मतलब ये कहते हुए भी मुझे कोई हैरानगी नहीं होती कि मैं शुरू से थोड़ी ज्यादा अपने टैलेंट को लेकर कोई डाउट नहीं था, शुरू से नहीं था। वाओ, यस। और इसीलिए शायद आपने एक डिफिकल्ट जॉनर जो कि सूफी है उसको चुना। जी। तो और उस पे बहुत सारी एल्बम्स रिलीज करी। दैट्स राइट। और अभी जो आपकी लेटेस्ट सिंगल रिलीज हुआ है वो है artistlove.com पे, गम्मा वाली शाम। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो भी रिलीज हुआ है। जी हाँ। उस एल्बम के बारे में बात करेंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे उस गाने पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब भी गाती हूँ सूफी स्टाइल में तो एक दिल को बहुत सुकून मिलता है, और इस टाइप की गायकी जब कोई सुनता भी है तो सुनने वालों को भी एक सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। वेलकम बैक टू न्यू दिस वीक ऑन artistlove.com द साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस। वी आर इन कन्वर्सेशन विद सोनू कक्कर। सोनू, अभी जिक्र हुआ सूफी जॉनर का। जब भी गाती हूँ सूफी स्टाइल में तो एक दिल को बहुत सुकून मिलता है, और इस टाइप की गायकी जब कोई सुनता भी है तो सुनने वालों को भी एक सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। मुझे भी लगता है कि सूफी जो है, वैसे तो संगीत ही रूहानियत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉनर ऐसा है कि ना केवल आपके दर्द जो है वो झंझोड़ के रख देता है, बल्कि थोड़ी सी रूहानियत आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। करेक्ट। तो ये गमा वाली शाम आर्टिस्ट अलाउड पे लॉन्च हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि आर्टिस्ट अलाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नॉन फिल्म म्यूजिक को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अदरवाइज नॉन फिल्म म्यूजिक कोई ज़्यादा इसका स्कोप नहीं बचा है आज की फिल्मी दुनिया में। फिल्मी दुनिया में।
तो बड़ी खुशी है इस बात की कि artistallowed.com से मेरा गम्मा वाली शाम सिंगल रिलीज हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे इस शो पे सिर्फ स्कोप सिर्फ उस गाने को प्रमोट करने का ही नहीं है। जी हाँ। अब आप हमारे शो पर आई हैं, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप वो परफॉर्म भी करें वो गाना। जी जरूर। और तो मैं बताना बड़े खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि ये गाना मेरे ब्रदर टोनी कक्कर ने कंपोज किया है और उन्हीं के लिरिक्स हैं। टोनी कक्कर ने ही लिखा है, म्यूजिक दिया है, प्रोग्राम टोनी आपका छोटा भाई है। जी हाँ। और वो इतनी डीप मीनिंग वाले लिरिक्स लिखता है। बिल्कुल सही। I think we'll have to talk more about him. बिल्कुल बिल्कुल। सोनू कक्कर is going to be performing गम्मा वाली शाम live here on New This Week at artistallowed.com, the sound of independence. गम्मा वाली शाम तड़पावे माया वे माया माया वे माया वे माया वे गम्मा वाली शाम तड़पावे माया वे खूबसूरत गाना है ये, लेकिन गाने में इतना दर्द है, क्या आपके जीवन में भी इतना दर्द है? जीवन में बिल्कुल दर्द नहीं है। जीवन में तो इतना आप डेप्थ कहाँ से लेके आती है? बीइंग अ सिंगर ये मेरी ड्यूटी है कि गाने का जो फील है वो मैं लेके आऊं, और ड्यूटी से भी बढ़कर जब हम लिरिक्स पढ़ते हैं किसी भी गाने के तो वो खुद ही फील होता है और खुद के मन से गाया जाता है वैसा गाना। तो अगर सैड सॉन्ग है तो वैसा फील करके गाती हूं। बहुत बबली है, यू आर वेरी चर्पी, मतलब मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा कि आप दुखी हो। बिल्कुल भी नहीं। गाने गाती हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गमगीन हैं, बट दे आर वेरी इमोशनल। यस। एंड दिस सॉन्ग आल्सो हैज अ वेरी इमोशनल वीडियो, इजंट इट? दैट्स राइट। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द वीडियो? काफी सिंपल है वीडियो अगर आप देखें तो, और ऋषिकेश के एक टेरेस पे शूट किया गया है। ऋषिकेश के एक टेरेस पे शूट किया? कितने साल पुरानी बात है? हो गया एक डेढ़ साल, डेढ़ साल हो गया जी। तो वहाँ पर शूट किया और काफी अच्छा, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक भी था क्योंकि होम टाउन है ऋषिकेश मेरा, और वहाँ पर जाकर शूट किया, बहुत ज्यादा मजा आया। माया वे माया माया वे आ सजना वे वास्ता प्यार दा।
जीवन में फिलॉसफी क्या आपकी? पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम दुखी होंगे उतना दुख ज्यादा आएगा, सुखी जितना खुश होंगे उतने सुख पास में आएंगे, तो खुश ही खुश महसूस करें। करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ऋषिकेश की छत पे क्यों गए? बॉम्बे में इतनी सारी छतें हैं। क्योंकि बॉम्बे में काफी जो फील ऋषिकेश का है वो बॉम्बे में नहीं मिल सकता। हाँ। इतना खुलापन, आसमान इतना खुला, जो वादियां हैं वहाँ की वो बहुत खूबसूरत है। तो इस सूफी जो जॉनर है वो बहुत ही मुश्किल है, क्या आपने इसके लिए तालीम भी ली किसी से? मैंने तालीम किसी से नहीं ली है, लेकिन नुसरत फतेह अली खान साहब मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत सुनती हूँ और बहुत सुना है नुसरत फतेह अली खान साहब को। लेकिन जब हम किसी से सीखते हैं तो एक मैं मेरा ऐसा मानना है कि और आजकल तो ऐसा होने लगा है कि सीडीज पर या कैसेट्स में उस्ताद जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो हमें लेसन्स डाल के दे देते हैं कि आप ये सुनिए, तैयार कीजिए, आके सुनाइए। काफी एडवांस हो गया है सीडीज में डाल के, पेन ड्राइव में, कैसे भी डाल के। तो मुझे भी लगता है कि सुन के ही अगर सीखना है तो फिर क्यों ना हम अच्छे अच्छे महान सिंगर्स को सुन के और उनकी चीजें उतारने की कोशिश करें और फिर उसको अपने अंदाज में गाएं। सरप्राइजिंग कि आपकी आवाज कितनी बेहतरीन रेंज है और आपने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, मैंने कभी। और विदाउट दिस फॉर्मल ट्रेनिंग यू हैव अचीव्ड सो मच, और अब आपकी एक एल्बम भी आ रही है जो सूफी एल्बम है। इस एल्बम के बारे में कुछ बताएं, इसके गानों के बारे में। हम अभी परफॉर्मेंस तो देखेंगे जी, लेकिन सारे गाने सूफी जॉनर है ये तो है ही है, लेकिन जो आजकल जो साउंड है, बहुत सारे लोग सूफी रॉक कर रहे हैं, सूफी जैज कर रहे हैं, किस तरह के गाने हैं ये? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो साउंड है वो आज का है। हाँ। और म्यूजिक जो है वो सूफी अंदाज है उस एल्बम का, जो भी मेरा एल्बम रिलीज होने वाला है। सुपर कूल, सुपर कूल। सो आई एम डाइंग टू हियर यू आउट। तो वो जो गाने हैं वो कौन कौन से गाने हैं जो आप परफॉर्म करने वाली हैं? जी हाँ, एक जो गाना है उसका नाम है माही बिन, और दूसरा गाना अखियानो रहन दे। तो ये दोनों ही गाने माही बिन जो है, जी हाँ, जो माही बिन है वो मेरी आने वाली एल्बम से है। और ये किसने लिखा है? वो टोनी टोनी ने लिखा है। कंपोज किसने किया है? वो भी मेरे भाई ने। टोनी ने किया है? टोनी ने किया है। ये गाया टोनी ने क्यों नहीं है? सिर्फ वोकल्स मेरे हैं। बिल्कुल, टोनी गाता भी है। तो ये जो आपकी नई सूफी एल्बम आ रही है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। श्योर, ये जो एल्बम आ रहा है मेरा, इसमें जो गाने हैं काफी रूहानियत भरे सॉन्ग्स हैं और लिसनर्स के लिए काफी सुकून देने वाले सॉन्ग्स हैं। तो किस तरह का साउंड है इसमें? साउंड तो हमने कंटेम्प्रेरी आज का साउंड रखा है, लेकिन जो फील है एल्बम का वो काफी सूफी कंटेम्पररी जॉनर आप कह सकते हैं। एंड हु हैज कंपोज्ड द म्यूजिक फॉर द सेम? टोनी ने ही कंपोज किया है। टोनी ने कंपोज किया, लिरिक्स भी टोनी के ही है। तो क्या हम उस एल्बम से एक गाना, मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप परफॉर्म करें? जी जरूर। तो व्हिच वन वुड यू लाइक टू परफॉर्म? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड इट्स कॉल्ड माही बिन। माही बिन, माही बिन, यस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, आई होप यू ऑल लाइक इट। आई वुड लव इट। मतलब मैंने अभी तक सुना भी नहीं है, बट क्योंकि वो आप गाने वाली है तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स हैव दैट परफॉर्मेंस। श्योर। मेरे माही
Back to New This Week on artistallowed.com, the sound of independence. I have with me Sonu Kakkar. And Sonu, हमने इतना खूबसूरत गाना सुना, लेकिन अभी तक जो हमने आपके performances देखे दोनों, वो दोनों सूफी genre में थे. लेकिन मुझे ये पता है कि आपने बहुत सारी languages में भी गाया है. जी हाँ. ये कैसे possible हुआ? जहाँ से भी मुझे गाने के लिए ऑफर आते तो मैं गाने जाती हूँ, क्योंकि बीइंग अ सिंगर हमें लैंग्वेज आई थिंक मैटर नहीं करता. ओके. मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस में गाया है, और जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली. तमिल में? जी हाँ, बिल्कुल. ये शायद ए आर रहमान साहब जी के साथ गाया था आपने? जी हाँ. और ये फिल्म का नाम है गॉड फादर. ओके. और सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसे मैं सुनाती हूँ आपको. इस तरह से है. தினம் 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 தீபாவளி உங்கள் திருவடிகளில் புஷ்பாஞ்சலி. தினம் 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 தீபாவளி உங்கள் திருவடிகளில் புஷ்பாஞ்சலி. நர 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 மாவையா. I forgot the lyrics, I'm sorry. मैं सोच रहा था कि ये तमिल में शब्द गा गए. क्या होता है कि जब मैं कोई भी लैंग्वेज में गाना गाती हूँ, सपोज मैं तमिल में गा रही हूँ या कन्नड़ा में गा रही हूँ, तो उसे मैं हिंदी में या इंग्लिश में लिख के और वैसा आप करती हैं, लेकिन प्रोनाउंस वैसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ. एक टाइम के लिए तो जब आप गा रही थी, मैंने कहा यार ये तो गाना आसान लग रहा है, ये तो मैं भी गा सकता हूँ यार ये वाला. तो नहीं मैं थोड़ा नहीं मतलब आप सुनिए शब्दों को. मतलब देखिए मैं बेसिकली क्या हूँ, आई एम अ हाईली पेड आर्टिस्ट एंड आई एम या यू सी आई डोंट परफॉर्म इन सच शोज. मुझे एक पूरा माहौल चाहिए होता है, एक शावर, एक बाल्टी, जब तक वो अकूस्टिक्स ना हो. आई एम अ यू नीड अ प्रॉपर बाथरूम टू सिंग. आई एम अ प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर. दैट्स ऑसम. या पीपल पे मी टू ओनली सिंग ओवर देयर. ओह माय गॉड. अगर हम तेरी टांगे तोड़ देंगे अगर तू कहीं और गाएगा तो. आपने इतने सारे गाने फिल्मों में गाए, लेकिन आपने उसे बैलेंस भी किया अपने तरह के गानों में, अपनी एल्बम्स के जरिए. सो हाउ हैव यू बीन एबल टू डू दैट? एक दिल की इच्छा थी ऐसा करना, क्योंकि फिल्म्स में मैं जो गाने गाती हूँ वो काफी डांसिंग नंबर, और क्योंकि बाबूजी एक आइटम सॉन्ग था तो वैसा मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है उस तरह का म्यूजिक, ऐसे ऐसे सॉन्ग गाना. लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे सूफी म्यूजिक बहुत पसंद है, तो वो अपने एल्बम के जरिए हम कर सकते हैं. वहाँ पर सारी भड़ास निकाली जाती है, सारी भड़ास निकाली जाती है. और उस भड़ास को निकालने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, artistallowed.com. इस पे आप अपनी भड़ास निकालें. बट हैविंग सेड दैट, व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन इन द कंट्री टुडे? Sadly, it's not good. Okay. क्योंकि जितना हम फिल्मी म्यूजिक को जितना प्रमोशन मिलता है और जितना पसंद किया जाता है, आई थिंक पसंद तो नॉन फिल्म म्यूजिक को भी किया जाता है, लेकिन उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा. ओके. तो ये काफ़ी मुझे दुख भरी बात लगती है कि एक आर्टिस्ट जो अपना फील दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी तरह का गायन या म्यूजिक, तो वो नहीं पहुंचा पाता है, विच इज़ वेरी सैड. और स्लॉट्स ही नहीं मिलते नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए. आप चैनल्स पे देखें तो आप आज की डेट में, पहले बहुत एल्बम्स आप टीवी पर देखते होंगे, सुनते होंगे, वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस आते थे, लेकिन आज अगर आप नोटिस करें तो आपको फिल्मी म्यूजिक ही चैनल्स पर दिखेगा. आई एग्री. हार्डली आप कोई नॉन फिल्म म्यूजिक एल्बम सुन पाएंगे. ओके. बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर. और ये आपकी और नेहा की पिक्चर है. मैं सर ये पूछना चाहूंगा, ये नेहा कर क्या रही है इस पिक्चर में? ओह माय गॉड. तो ये क्या हो रहा है? ये मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है. मैं
आई थिंक इतना होटल एंड वी वाज ऑफ कोर्स दिस इज अ होटल और वी वर देयर फॉर अ शो एंड एज सून एज वी रीच्ड देयर शायद मैं नींद हाँ मैं सो गई थी अरे रहने दो आपकी आंखें बता ड्रामा क्वीन नहीं नहीं आप आंखों को ध्यान से देखिए मैं और फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखिए कि मैं काफी नींद में लुप्त हूँ मैंने आज तक किसी लड़की को इतने प्रॉपर पोज में अपने पूरे नाखून दिखाते हुए कभी नहीं सोते देखा है नहीं नहीं मैं जब सोती हूँ तो काफी कम्फर्टेबली सोती हूँ अभी भी आप हाँ एग्जैक्ट पोस्चर में और एग्जैक्टली पूरी लटे मैंने ये ध्यान दिया ना मुझे एंड प्रॉपर मेकअप एंड एवरीथिंग क्या होता है मैं सोते वक्त मेक श्योर करती हूँ कि कोई भी अगर पिक्चर क्लिक करे तो आई शुड बी लुकिंग गुड ऑल द टाइम यू शुड बी लुकिंग गुड ऑल द टाइम तो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि नेहा टोनी एक्चुअली टोनी ने पिक्चर क्लिक किया है राइट एंड नेहा मुझे शायद मारने की धमकी दे रही है कि अभी मैं अभी तो लेकिन सोई हुई है तो फायदा उठा सकती है मार सकती है लेकिन आप बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है तो हम जो है हम थोड़ा सा हमने सोचा कि क्यों ना आपका ये हुनर जो है आपके फैंस तक लेके चलें ओह माय गॉड आई यस आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू और वो है ये बंदूक ओह माय गॉड ये इसको पकड़िए अब ये सरप्राइज हाँ ये मैंने बंदूक आपको गिफ्ट नहीं दिया भाड़े की है मुझे वापस दे देना व्हाट आई वांट यू टू डू इज पोज विद दिस गन एंड से अ डायलॉग ओह माय गॉड सो डायलॉग कौन सा बोलेंगे आप हु इज योर फेवरेट एक्टर My favorite actor is Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. तो हम एक काम करेंगे हम आपके फेवरेट एक्टर की मूवी का डायलॉग नहीं देंगे आपको ओह नहीं देंगे नहीं देंगे आपको तो let's do a twist कोई रोमांटिक डायलॉग मगर गुस्से में रोमांटिक डायलॉग गुस्से में लाइक बड़ा सिंपल सा डायलॉग है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा तो एक गुस्से में लाइट कैमरा एक्शन बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा सेनोरिटा बंदूक नहीं है सेनोरिटा कैमरा इट वाज द वर्स्ट गुस्से में गुस्से में को बात ये पहला टेक है लाइट्स कैमरा एक्शन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा देखो मारू देख गोली तो चल ओके दैट वाज फैंटास्टिक यू आर ब्रिलियंट नो दैट वाज बैड देखिए अभी अभी आप हमारी छत्रछाया में आई हैं मैं आपको बड़ी हीरोइन बना दूंगा 77 ओह माय गॉड एमएम पे छपा दूंगा आपको लेकिन यू नो इफ आई टॉक अबाउट वेयर इज सोनू कक्कड़ हेडिंग व्हाट्स द फ्यूचर फ्यूचर मुझे अपना जो म्यूजिक है सब तक पहुंचाना है जो कि सोलफुल म्यूजिक जो सूफी जॉनरा है उसी को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं फिल्म्स में नहीं गाना चाहती फिल्म्स में भी मुझे बहुत सारे गाने So you want to maintain a balance between the independent music and the popular music as well. Yes. अच्छा अगर सोनू कक्कड़ की जिंदगी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक गाना हो तो वो गाना कौन सा होगा गाना आई थिंक देयर इज so much to my life which I can't describe in just one song wow but mujhe jo gana pasand hai recently release hua hai okay mere brother tony ne hi use release kiya hai okay. aur uska hi music hai wow. aur tony ke hi lyrics hain okay to main wo aapko sunana chahungi halanki jo first line hai aap sunenge wo akhiyan nu rehne de kafi purana folk hai ye तो मुझे शुरू से बहुत पसंद था तो टोनी ने बोला कि क्यों ना हम इसे यूज करें अपने नए गाने के लिए जी जी तो गाना वही है फर्स्ट लाइन नहीं गाना पूरा फ्रेशली मतलब न्यूली कंपोज्ड है बट फर्स्ट लाइन व्हिच इज अखियां नु रहन दे व्हिच इज या अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल को चन पर देसिया बोल पावे ना वो अखियां रेण दे रोड़े गया जानी
Conversation. That was Sonu Kakkar on you this week at artistlaw.com, the sound of independence. Sonu, Ji. Thank you for being on the show. Thank you so much. And we wish you loads of luck for your future. Pleasure. Thank you.